नशे में है, नशे में। तो वही मैं गया था कसूर दिसंबर की 2021 से 22 में है। क्या ले लिया था मैंने, ले ली थी एक पेस्ट्री, और पता कसूर में हमको वो भी मिला था स्मारक। तो मैं बेचारा जिम कल तो जा नहीं पाया था भाई, कल हालत सा आ गया था। अगर तुमने मेरा हाउस टूर का ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। मैं तुम्हें मित्रों से जिम में भाई वेट कर रहा है। बाकी तुम्हें मैं ये कह रहा था भाई कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियोस को और शेयर कर देना, ठीक है। जितना बड़ा होगा वही अच्छा होगा। भूतिया कर देखो, अपुन कर रहा शोल्डर, ये पता नहीं क्या कर रहे अभी, सो के आया ये तो, नशे में है, नशे में। अरे सोएगा इधर, ये देखो कह रहा सो के आया हूँ, नशे में भी नींद के। ये अभी कह रहा आराम से करूँगा बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर, अब देखो सो रहा है। यही होता है आलस का फायदा, नहीं आलस का फायदा नहीं, क्या होता है आलस का, आलस के पकौड़े। अभी भी नशे में है, कोई बात नहीं, अभी जिम के नशे में आ गए। जिम के नशे भाई हम तो शुरू कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मैं पहले बार हूँ शोल्डर प्रेस, पहले 17.5 मार लिया, अब 15 मार लिया। जिन्होंने को भी सब्सक्राइब कर रही है रेख, थैंक यू भैया। हाय, नाम बता दो अपना। विकास, विकास विकास बॉडी बिल्डर। और ये भाई है, ठीक है। अब मैं मारूंगा 20 का। भाई वो 20 नहीं था, 25 था। शोल्डर प्रेस हो गया, मैं मारूंगा साइड साइड। भाई वो साइड नहीं कर रहा, मैं ऐसे करो क्लोज देने, क्लोज ये वाली, ये क्लोज, ये का ऐसे बोलूँगा फिर देखा वो टेढ़ा करके। अब करेंगे साइड रेस फाइनली। एक दो ऐसे, एक दो दोनों भैयान ने, भैया ने कीकली खेली और थोड़े कीकली। तो भाइयों मेरी एक्सरसाइज हो गई है, अपनी भैया कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज आर्म्स और ट्राइसेप, ठीक है। मेरे तो हो गया सारा शोल्डर करने में, बस शोल्डर हो गए मेरे अब। नो दिस कमलिए चट स्पॉट। तो भाई अब सीधा घर जाके मिलूंगा तुमको, अब तो कुछ है नहीं, ये अपना कर रहा है, हम बैठेंगे आराम से। देखना मैं नाम के लिखा है, वन स्टाइलिस्ट। अब पक्का ये कहेगा भाई स्कूटी चला ले, ठंड में स्कूटी चलाता है मेरे से ये।
अभी देखना इसको, आते देखना देखना, ऐसी बातें करूँगा ना देखना। अभी आके वो कहेगा कि स्कूटी चला रहा, स्कूटी अभी तो बंद कर रहा है इस जिम, ये स्कूटी है, अभी देख देखना अभी उसको। बिल्ली आके देखो उसकी, भाई देखना आती है स्कूटी चलाई हो, मैं बैठ जाऊंगा ऐसी। क्या कह रहा है? आगे चला भाई, आगे चला। टॉर्च को मार रहा है, टॉर्च मैं बिल्ली दिखाता हूँ। तो भाई जिम से तो आ गया था मैं। तो भाई जो मेन वीडियो है, मतलब जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, तो ना वो है कसौली के ऊपर, ठीक है, कसौल, सॉरी। तो भाई मैं गया था कसौल, और ये वीडियो मेरे को एक दोस्त जान खा रखी है, उसने भाई बना बना बना, कह रहा है मेरा नाम ले, मेरा नाम ले। तो उसका नाम ले लेंगे भाई साद खान, सैमी जो भी बुला लो उसको, सिक्सर जो भी बुला लो छक्का चौक्का 12 जो भी बुला लो, ठीक है। तो ये बात है दिसंबर की 2021 या 22 में है, ठीक है। तो मतलब बर्थडे के दो दिसंबर को गया था बर्थडे, 9 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को गया था मैं दोस्तों के साथ। ये सारा ग्रुप था ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल का, हम थे 7 लड़के, ठीक है। तो उसमें से एक था साद सैमी, जिसने मेरा खून पी रखा कि भाई वीडियो बना वीडियो बना। तो भाई ये बात उस पता क्या बात यही है कि दोस्त कितनी जल्दी बदलते हैं भाई, बस उसके ऊपर बात है ये, ठीक है। तो बात क्या हुई थी कि मैं गया था दिसंबर में कसौल, तो उधर हम सब गए थे कि भाई मज़े करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने शुरू कर दी प्लानिंग, ठीक है। तो हम गए, पहले तो सब सही चल रहा था भाई, मतलब गए रास्ते में सब सही था, सब ठीक ठाक था। फिर पता नहीं, फिर उसमें से एक दोस्त था, ठीक है, तो वो कहता, तो ना मैंने पता क्या ले लिया था, मैंने ले ली थी एक पेस्ट्री जो थी 150 की, उसका एक पीस था वो 150 का, सिर्फ एक पीस। तो हम घूमने गए थे, तो ना मैंने साद और जो भी है सैमी, साद सिक्सर विक्सर जो भी है वो तो उसको, उसने और मैंने खाई थी वो पेस्ट्री, वो थी 150 की एक पीस, ठीक है। तो फिर हमने खाई, फिर मैंने उसको बताया दोस्त को कि भाई देख मुझे इतनी की पड़ी पेस्ट्री, मतलब 150 रुपये की। तो कह रहा अच्छा, फिर वो आगे गया थोड़ा, ठीक है। तो एक और दोस्त आगे खड़ा था, फिर उसके ना कान में जाके बोलता, मैं थोड़ा दूर था, थोड़ा डिस्टेंस पे था, मतलब इधर वो है इधर मैं था, ठीक है, मतलब समझ लो इधर। तो हम थोड़ा डिस्टेंस में थे, तो कहता उसके दोस्त कान में कि भाई ये देख इसने ना ये खर्चा कर दिया, 150 रुपये की पेस्ट्री खिला दी। पता नहीं उसको क्या था भाई, खर्चा मैं करूँगा, मेरे पैसे है, मैं ट्रिप पे मैं भी तो गया भाई, अपना खर्चा तो मैं खुद करूँगा, कि तुम्हारे हिसाब से चलूँगा, कि तुम जो करोगे वही करूँगा मैं। तो भाई मेरे को मन था खाने का, खा लिया हमने, तो उसने साथ और मैंने खा ली थी। फिर क्या हुआ था, फिर उसने कान में जाके बोला, उसको लगा कि मैंने सुना नहीं, तो जो दूसरा दोस्त था जिसके कान में जाके बोला उसने, ठीक है, तो कहता चलो कोई नहीं क्या हो गया, अपना खर्चा करा ना, देखो क्या हो गया। तो कहता फिर ना वो थोड़ा थोड़ा होता ना चिढ़ गया, पर नहीं चिढ़ गया क्या उसकी भाई, मैं तो उसको समझता नहीं ना, मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो किया अपने लिए भाई, अपना खुद का खर्चा किया, अब दूसरों के साथ चलूँगा तो भाई वो ट्रिप कैसी बात की, अब मैं उनके साथ चलूँगा तो भाई वो मैं नहीं हूँ भाई, मैं किसी के हिसाब से चलता ही नहीं हूँ, सिर्फ अपने मम्मी पापा के हिसाब से चलता हूँ मैं, ठीक है, जो कहते वही करता हूँ, और बाकी जो कुछ भी कह ले मैं नहीं करूँगा भाई, ये मेरा है, ये मेरा, तुम ईगो कह लो या जो भी कह लो, मतलब ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात है कि भाई मैं किसी को आगे झुकता नहीं हूँ। तो वही बात थी, ठीक है। तो ऐसे उसमें होता गया, फिर क्या हुआ, उसने हम आ गए ट्रिप से दिल्ली आ गए, ठीक है। फिर मेरा बर्थडे था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को क्या हुआ, मेरी कॉलेज की एक दोस्त ने मेरी वो लगा दी, वो स्टोरी लगाई थी उसने, तो वो स्टोरी लगा कि क्या हुआ, मैंने वो मेंशन बैक कर दिया, ठीक है। फिर उसका मैसेज आया कि तूने तो हमारी स्टोरी मेंशन बैक की नहीं, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई तो तू मेरी स्टोरी लगाएगा तो तभी तो मेंशन बैक करूँगा, और तूने मेरे को नहीं, मतलब जैसे 9 बजे था ना बर्थडे, तो 8 की रात को, मतलब 12 बजे जैसे होता ना, चाहे अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी अगले दिन मेरा बर्थडे है, तो मैंने विश कर दिया, स्टोरी लगा दी, ठीक है। तो उसने ना ही मेरे को विश किया, वो लड़के ने ना ही मेरी स्टोरी लगाई, मेरे को उसका नहीं है कि भाई स्टोरी लगाए ना लगा, विश करें या ना कर, ठीक है। मतलब मैं सोचता कि भाई है मेरा यार, तो भाई
तुम जिसको भाई समझते हो क्लोज पर्सन था तुम्हारा बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसा करा, फिर उसने ना मेरे को बर्थडे पे विश किया ना कुछ, मतलब कॉल आता था उसका हर बार, उसने ना ही कॉल करा ना कुछ किया। ऊपर नहीं क्यों चढ़ गया, मेरे को तो लग रहा है कि वो पेस्ट्री के चक्कर में चढ़ गया था। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मैंने उसके उससे बिना पूछे खर्चा किया, और मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि भाई तेरे से पूछ के करूँगा सब कुछ, है मैं तुम्हारे हिसाब से चलने वाला नहीं हूँ, ठीक है, चाहे जो भी हो मैं किसी के हिसाब से चलने वाला नहीं हूँ भाई। तो यही बात थी और कुछ बात नहीं। वो जब से चढ़ा बैठा है मेरे को ब्लॉक कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया। मैंने कहा चल छोड़ यार कोई नहीं, फिर मैंने भी ब्लॉक कर दिया। मैंने ब्लॉक नहीं करा भाई, मैंने ब्लॉक नहीं करा, मैंने अनफॉलो कर दिया, ठीक है। तो अब इस बात को हुए शायद से एक साल, रुक जाओ, हाँ एक साल हो गया इस बात को, मतलब होता ना 1.5 ईयर्स हो गए इस बात को। उसने अब तक ना मैसेज किया ना कुछ किया, उसने मेरे को ब्लॉक मार रखा है और ना ही मुझे फॉलो करता है। और मुझे इस बात का कोई वो नहीं है भाई, गम वम की भाई वो फॉलो करेगा जब भी कुछ होगा मेरी ज़िंदगी में। उसके अनफॉलो करने से मेरी ज़िंदगी रुक नहीं गई भाई, मैं बाकी और आगे बढ़ाओ। मेरे और भी दोस्त सैम ही है, साद है, और भी और से बात होती है, ठीक है। तो कोई गम नहीं कि भाई वो नहीं करेगा तो भाई मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे बढ़ते रहो, ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे भाई तुमको, जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ना क्लस जाएंगे, पूरे क्लस जाएंगे। ऐसे बहुत दोस्त मिले भाई मेरे को। और जो उसका दोस्त था जिसके कान में उसने बोला था कि भाई देख 150 खर्चा कर दिया, उसने भी मेरे को अनफॉलो कर दिया, ठीक है। अब ना मेरी बात होती है उनसे, बस एक से होती है, सात से होती है, सैमी से और किसी होती नहीं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी के हिसाब से ना चलो, ठीक है, अपना देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। वो ना मतलब वो जॉब करता था तो उसको मेरे हिसाब से कि उसको ना थोड़ा पैसों का कुछ हो गया था, घमंड होता ना कि हाँ भाई मैं, तो उसका थोड़ा एटीट्यूड होता ना वो बहुत, मतलब मुझे वाइब होते ना, वाइब मैच ही करते थे भाई बहुत ज़्यादा। मतलब कसूल की ट्रिप में ये हुआ, फिर ना उसके बाद उसने मेरे को बर्थडे पे विश नहीं किया। मतलब विश का छोड़ो यार, क्या वो छोटी बात है, बहुत ज़्यादा छोटी बात है, ना करे भाई, मैं भी नहीं करता, ठीक है। बस वो चिड़ित जो गया था ना उस टाइम पे, वो मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने यार अब वाइब मैच नहीं कर रही, अब छोड़ो। फिर मेरे नए दोस्त बन गए कॉलेज में, तो मैं उन सब में बिजी हूँ। और ये सद्दी बुलाता हूँ, साद को, बस ये दोस्त है, ठीक है, और तो कोई दोस्त है नहीं। उन सबसे मैं बात होती नहीं, बहुत कम बात होती, बस साथ से होती ज़्यादा। और मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा आगे का सोचो, इन सब चक्करों में ना पड़ो, तुम्हें लाइफ की चुनौतियों से लड़ना है, इन जैसों से नहीं लड़ना। तो भाई थोड़ा सोचो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और तुम्हें ये सोच के रुकना नहीं भाई कि भाई ये मुझे अनफॉलो कर देगा, ये मेरा दोस्त नहीं रहेगा तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे बाहर में जाओ सबके सब, अबे लात मारो सबको यार, कुछ नहीं रखा इन सब में। अबे तुम इन क्या पता भगवान चाहता हो कि तुम इनको छोड़ो आगे बढ़ो, क्या पता ये तुम्हारी गलत संगत हो, ये होता है ना। तो ये कहूँगा कि भाई अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में ही होती है, ठीक है। बाकी आज मज़ा ही आ गया तुमसे बात करके, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और किससे सुनाऊँ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। 500 बहुत जल्द होने वाले हैं, तो भाई जल्दी बढ़ाओ चैनल को और 1K लेके जाओ भाई, 1K पे भाई मज़ा आ जाएगा मेरे को, तुमको भी, तुम्हें अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा भाई, मैं मोटिवेट होता पता है, जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे ना धीरे धीरे, जैसे तुम प्यार दिखा रहे हो अपना, व्यूज़ भी लाओ यार, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे भाई, व्यूज़ नहीं आ रहे तो व्यूज़ लाओ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। अपने चाचा चाची फूफा फूफी दादा दादी मम्मी पापा जिनसे भी भाई भाई बहन सबसे करवा दो भाई, सबके फ़ोन से कर दो सब्सक्राइब भाई, मतलब फैला दो चैनल को, ठीक है। बाकी सपोर्ट दिखाओ, अभी तो मोटिवेशन मिलती रहती है भाई, कि भाई जैसे जैसे बढ़ता है ना एक आदमी अलग अलग लेवल्स पे, तो अलग अलग लेवल्स की मोटिवेशन होती है, तो वही मोटिवेशन मिलती है सबको, ठीक है। बाकी यही है कि अच्छे दोस्त बनाओ जिनसे वाइफ मैच हो। बाकी अभी है दोस्त ऐसे मेरे जो बीटी देते हैं, एक वो करण है भाई, ना ही जवाब देता है किसी मैसेज का, फ़ोन करो तो भाई मैं इधर हूँ उधर हूँ, बोल सकता हूँ झूठा है, पर भाई बढ़िया बंदा है, हेल्प करता बहुत बढ़िया बंदा भाई। बाकी दोस्त ऐसे बनाओ जो बढ़िया हो, हेल्प करे तुमको, ये नहीं कि भाई तुमसे चिड़े भाई तूने कैसे खा ली भाई पेस्ट्री। और पता कसूर में हमको वो भी मिला था,
जिस्मानक, तुम्हें इधर कई फोटो दिखा दूंगा, इधर दिख जाएगी, हमको जिस्मानक मिला था, वो उधर आया था घूमने घामने, हम भी तो घूमने घामने गए थे, ठीक है। बाकी मौज मारो यार जिंदगी के, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कौन सा कोई हमारे साथ जाने वाला है, ना कोई हमारे साथ आया था ना कोई हमारे साथ जाएगा, तो मौज काटो जिंदगी के, ऐसे लोग बहुत आएंगे यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करना सीखो। और हमारा देखो पीछे लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये पीछे लगा हुआ है हमारा स्टिकर। बाकी भाई एक और किस्सा है कि भाई जब मैं वो जस्मानक मिला था ना, तो हम गए थे, तो एक दोस्त भक्त आया, वो इधर इधर वो देख जस्मानक, तो हम भी गए, हम मिले उससे, फोटो वोटो खिंचवाई। तो मेरी दोस्त थी कॉलेज की, एक दोस्त है, तो ना वो बहुत बड़ी फ़ैन है जस्मानक की, तो मैं उससे ना फ़ोन कर रहा, फ़ोन उठा नहीं, मैंने भाई बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन, तो फ़ोन कर जा रहा फिर उसने फ़ोन उठाया, तो उस टाइम पर ना जस्मानक मेरे ऐसे पीछे से जा रहा था, तो मैं कहा हेलो हाँ है तो ना भाई बहन मुझे ना वो मिला जस्मानक, तो कह रही अच्छा वो समझी मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ सच में, तो कह रही झूठा, फिर उसने फ़ोन काट दिया, फिर मैंने अपनी फ़ोटो दिखाई उसको, तो कह रही वो ये क्या कर रहा है इधर, वो है ये वो, तो भाई मज़े आए थे उधर कसोर में, कसोर मज़े तो आया भाई, पर कुछ लोग की चिड़िंग की वजह से थोड़ा उबर खाबड़ हो गया थोड़ा, ठीक है। बाकी लाइफ में सपोर्ट होना चाहिए भाइयों का, इनका नहीं, ये तो रस्ते की मैल है, रस्ते की कीड़े है, इन्हीं लोगों से ना हम कुछ सीखते हैं पता है ज़िंदगी में, किसी के लिए चिड़न ना हो, मतलब किसी के ऊपर चिड़ो ना कि भाई वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब खुश होने वाले बंदे हो ना ज़िंदगी में, तो भाई बढ़िया होता है। बाकी भाई बना दी तेरी वीडियो भाई, साध सैमी जो भी है तू, ठीक है, अब मत बोलिए कि भाई बनाओ बना बना, वो मुझे एक हफ्ते से जान खा रहा है भाई तू बनाएगा वीडियो, मैं ठीक है बना दे भाई, ये लो तेरी वीडियो भाई। बाकी सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब से आया हूँ शोल्डर मार के कुछ खाया नहीं भाई मैंने, बाकी भाई मिलता हूँ घर पे, अब घर पे क्या, अब इधर ही एंड कर देते हैं, तो मिलो अगले ब्लॉग में, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, वाह।